पाक। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब बिला ताखीर शेरे पाकिस्तान रईस उल मुकर्ररीन यादगार असलाफ हजरत मौलाना मंजूर अहमद साहब तशरीफ लाने वाले हैं, उनकी आमद से पहले जोरदार नारा लगा, नाराए तकबीर नाराए तकबीर। शेरे पंजाब मौलाना मंजूर अहमद साहब नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फऔज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم। कोई बनिया रौनक पखियां दी ते कोई छड़ के शीश महल चलिया, कोई बनिया रौनक पखियां दी ते कोई छड़ के शीश महल चलिया, कोई पलिया नाज ते नखरिया बिच कोई रेत गर्म ते थल चलिया, कोई भुल गया मकसद आवण दा, कोई भुल गया मकसद आवण दा ते कोई करके मकसद हल चलिया। इत्थे हर कोई यार मुसाफिर है, कोई अज चलिया कोई कल चलिया। सामीन मुहतरम, मैं सिर्फ और सिर्फ इंशाअल्लाह रहमान थोड़ी जी गल्लां करनियां ने तुहाडे नाल, खिताबात तुसा सुन ले ने नौजवानों के मौलाना बिनियामीन आबद साहब, मौलाना अबू बकर सिद्दीक मुआविया साहब, अल्लाह इन्हां दोनों दियाँ जवानियों च बरकत फरमाए और अल्लाह सुन वालिया के शौक शौक ईमान के अंदर अल्लाह बरकत फरमाए। मैं पहली बात यह है कि 68 वालिया को बहुत ज़्यादा माजरत चाहना कि दो दफ़ा मैं आ ना सकिया, एक दफ़ा मैं उमरे से चला गया, दूसरी दफ़ा मैं जेल चला गया। तो मसला इंजदा होया कि जिस दिन मैं रिहा होया उकाड़े दी जेल विचों, उस दिन मैं बड़ी कोशिश की थी कि मैं 68 चला जावां, लेकिन साडा एक इदारा है जामिया निदाउल इस्लाम खुड़ियां खास कसूर, उत्थे मैनू जाना पै गया। हाफिज़ अब्दुल रशीद साजद साहब और दीगर अहबाब ने मजबूर किया, मैं उत्थे चला गया। तो उन्हें कोई इस्तकबाल का प्रोग्राम बनाया सी, मैं क्या यार मैनू इस्तकबाल दे नालों ना इस गल की खुशी ज़्यादा है कि मैनू कुरान और सुन्नत दे परवानियां कोल पहुँचन दियो और मैनू अल्लाह का कुरान सुनान दियो और नबी अलैहिस्सलाम का फरमान सुनान दियो, इस वास्ते कि साड़ी इज्जत साड़ा वकार अल्लाह के कुरान नाल है और पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम के फरमान दे नाल है। ला इज्जा इल्ला फिल इस्लाम, इस्लाम के अंदर साड़ी इज्जत है, इस्लाम के नाल वाबस्ता रहांगे तो साड़ी इज्जत साड़ा वकार साड़ी अजमत साड़ा शान साड़ा मकाम अल्लाह बनाएगा। मैं भी दुआ करना और तुसी भी सारे मिलके दुआ करो, अल्लाह सानू जब तक जिंदा रखे कुरान और सुन्नत के नाल वाबस्ता रखे। हर मुसलमान नू अल्लाह कुरान और सुन्नत का पाबंद बनाए, खुश नसीब और सब नू अल्लाह बख्त बुलंद बनाए। तीन आयतां मैं तुहानू सुनाणियां ने और उन्हां तीन आयतां दे अंदर ने एक गल अल्लाह ने बयान फरमाई। शेखुल कुरान मौलाना मुहम्मद हुसैन साहब शेखपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने तीन नुक्ते बयान फरमाए ने बड़े प्यारे। देखो किड्डा प्यारा, पहला तुसा उस्ताद जी आवाज़ किड्डा प्यारा सी, हुण तुसा समझिया भी हुण एम पी ए की तकरीर है, हुण किहड़ा कोई मौल देख लै बेलिया हैं। पहला स्पीकर बड़ी सैट आवाज़, इन्हें समझे हूँ शायद मियाँ मंजूर वटू आ गए,
आई एम मौलाना मंजूर, लिहाजा वो ही आवाज़ करो उस्ताद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं इंशाअल्लाहुर्रहमान तीन आयात तुहानू सुनाण लगा। मौलाना मुहम्मद हुसैन साहब शेखपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने तीन आयात सुना के ना एक नुकता बड़ा बयान किया। नुकता पता की सी? पहली आयत है सूरत तौबा दी और दूसरी आयत है सूरत सफ दी और तीसरी आयत है सूरत फतह दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम युरीदूना युतफ़िउ नूर अल्लाह बेअफवाहिहिम वयाबल्लाहु इल्ला युतिम्मा नूरहू वलौ करिहल काफिरून। अच्छा गल सुनो, जेडे जवान मौलवी ने उन्होंने बारी तो सुभान अल्लाह कहिंदे हो, जो असं बुढ़े हो जाइए फिर साढ़े बारी इन्ना लीला पढ़ गए, सारे कहो सुभान अल्लाह। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा वदीनिल हक लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली वलौ करिहल मुशरिकून। ये है सूरत तौबा दी आयत और दूसरी जेड़ी मैं पढ़न लगा वो है सूरत सफ दी। युरीदूना लियुतफिउ नूर अल्लाह बेअफवाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा वदीन लहक लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली वलौ करिहल मुशरिकून। और तीसरी आयत सूरत फतह दी। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा ودین الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا। तीन आयात अल्लाह अकबर तीन मकामात दियां आयात जेड़ियां ना सूरत तौबा सूरत सफ सूरत फतह शाहुल कुरान खतीबे पाकिस्तान मौलाना मुहम्मद हुसैन साहब शेखपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमान लगे कायनात दा रब कायनात दा बादशाह कायनात दा शहनशाह सारी कायनात दा हाजत रवा सारी कायनात दा मुश्किल कुशा ये दसना चाहते ने अल्लाह समझाना चाहते ने अल्लाह फरमाना चाहते ने अल्लाह साढ़े तक ये बात पहुँचाना चाहते ने कि पहला तौबा करो। तौबा करन तो बाद फरमाया सफ बंदी करो। ए दो कम तुसी कर दियो फतह असी अता फरमा दे। पहला तौबा करो फिर सफ बंदी करो फरमाया फिर फतह असी अता फरमा देंगे। मैनू मौलाना कारी मुहम्मद यासीन बलोच साहब हफिज़हुल्लाह ताला दे अल्फाज याद आए। अल्लाह फरमा दे ने तूबू इलल्लाह जमीया अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लहून। अल्लाह फरमाते हैं ओ मोमिनो तौबा करो, रब सानू भाइयों जन्नत देना चाहता है, अल्लाह सानू बख्शना चाहता है, अल्लाह सानू अपना बनाना चाहता है, अल्लाह सानू जन्नत पहुँचाना चाहते ने, अल्लाह सानू अपना जन्नत मेहमान बनाना चाहते ने। ओ मेरे भाइयो मालिक नाल अपना ताल्लुक कायम करो, अल्लाह सानू सजा नहीं देना चाहते, जन्नत च अपना मेहमान बनाना चाहते ने। असी दुआ करो हाँ अल्लाह सानू जन्नत च अपना मेहमान बने। मालका जिमें 168 चक की मस्जिद ही सानू अपना मेहमान बनाए, सानू जन्नत उल फिरदौस भी अपना मेहमान।
مل کے آمین کرو آمین ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے یار کتنے پیارے جانا قربان کر دیتیاں رب واسطے مال قربان کر دیتا رب واسطے صحابہ دیتیاں نے جانا بولو پھر بولو تھوڑا جا چارہ اور مارو صحابہ دیتیاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ تھینک یو ویری مچ بہت بہت شکریہ صحابہ دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے می رتبے کمال دیتے نے حبشی نو ویکھ لو ذرا وی نہیں ڈولیا کوڑیاں تے لیٹ کے او ہولی نیچے بولیا کنے سانو کیسے کیسے کنے کیسے سانو حوصلے بلال دیتے نے تائیوں رب نے وی رتبے کمال دیتے نے میں صدقے جاواں وہ کتنے پیارے لوگ ہیں استاد جی بہت ہی ایکو نہ کھولو معمولی جی کہ ٹھیک سی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے یار ایسے پیارے ایسے پیارے جنہ دا تذکرہ مولانا ابو بکر معاویہ صاحب کر رہے سان مولانا بنیامین عابد صاحب کر رہے سان علماء کولوں تساں سنے آن ایس گناہگار کولوں بھی سن لو نبی علیہ السلام دے یاران دا شان تے مرتبہ تے مقام وہ کیسے پیارے سان اللہ پاک انہوں نے خوبیاں بیان فرما رہے نے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین اللہ انہوں نے تذکرہ فرما رہے نے کدھی آؤ نا مالک نال اپنا تعلق قائم تے کریے عہد کا رب نے نا میرے کو ایک کام ایسا کروایا ہے کہ میں کیڑے لفظ ہیں جو اللہ دا شکریہ ادا کراں ایسے میں تانوں یہ شعر سنا دا رہا پر عہد کا نا مکہ المکرمہ بیت اللہ دا سین او دے وچ مینوں رب نے سجدے پا دیتا تے سجدے وچ میرے کو اللہ نے آ شعر پڑھائے جڑے میں تانوں ہن سنان لگا سجدے وچ رب نے میرے کو یہ پڑھوائے تیرے در پہ تو آنا میرا کام تھا میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین
بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان میرے مالک سونیا تو کتنا مہربان بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین تیرے در پہ تو آنا میرا کام تھا میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے کہاں یہ پیارا در اور یہ میری جبیں تیرے فضل و کرم کی تو حد ہی نہیں تیرے فضل و کرم کی تو حد ہی نہیں جس کو دنیا میں کوئی نہ اپنا کہے جس کو دنیا میں کوئی نہ اپنا کہے اس کو اپنا بنانا تیرا کام ہے جس کو دنیا بڑے بڑے بندے قسم میں کوئی ماڑا ہو جائے نا کوئی فقیر ہو جائے کنگال ہو جائے غریب ہو جائے لاچار ہو جائے بیمار ہو جائے مجبور ہو جائے اور ماڑا ہو جائے تے کوے بندہ آ تیرا کی لگدا ہے جیڑا پھٹے تے بیٹھا ہے جیڑا بینچ تے بیٹھا ہے فٹ پات تے بیٹھا ہے اے تیرا کی لگدا ہے لگدا بھی ہوئے تے کہندے نے کچھ نہیں لگدا آسمان تو آواز آندی ہے جڑا ایک واری کہندا ہے اللہ میں آسمان تو کہنا اے میرا لگدا ہے میں اے دا لگنا ہوں جڑا ایک واری میرا نام لیندا ہے اور مینوں آواز دیندا ہے اللہ میرے اللہ میں کہنا اے میرا بندہ ہے میں اے دا معبود ہاں اے میری مخلوق ہے میں اے دا خالق ہاں میں اس دا مالک ہاں میں اس دا رازق ہاں میں اس دا داتا ہاں میں اس دا دستگیر ہاں اے میرا فقیر ہے میں اے دا قادر قدیر ہاں پھر کہو سبحان قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تیرے در پہ تو آنا میرا کام تھا میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے تو ہی ستار غفار وہاب ہے یہ سارا جہاں تیرا محتاج ہے یہ سارا ہی جہاں تیرا محتاج ہے ایک نگاہ کرم ہی میری علاج ہے تیری ایک نگاہ کرم ہی میری علاج ہے لاج میری نبھانا تیرا کام ہے اللہ سا سارے ہاں تیرا راضی ہو جائے میں یقین کرو قاری عبدالحفیظ صاحب فیصلہ آبادی رحمت اللہ علیہ جدو قرآن پاک دی آیت پڑھ کے ترجمہ کر دے سن قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ لا تقنطوا شیخ احمد صاحب لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم ایت پڑھ کے پھر انہاں
अपनी आजजी अपने अल्लाह दे अगे पेश करनी। मैं तो नादान ही था, इन्नी उम्र तबलीग करके ते रब दे सामने फिर भी आजजी। कुरान पढ़ के, कुरान सुना के, अजमत सहाबा सुना के, रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन, नबी अलैहिस्सलाम दियां अजवाज मुतहरात दा मकाम सुना के और अल्लाह दा कुरान सुना के, मक्कातुल मुकरमा दा शान सुना के, मदीनातुल मुनव्वरा दा मकाम सुना के और अल्लाह दे वलियां दा शान बयान करके उम्र लंघा देनी, तो फिर भी अल्लाह दे सामने मैं तो नादान ही था, मैं तो नादान ही था, दानिश्ता भी क्या क्या न किया, लाज रख ली मेरे अल्लाह ने, मुझे रुसवा तुझे रुसवा न किया, बात दिल की दिल में ही रही और काम हो भी गया, ऐसा कौन जिसने जुबान का तकल्लुफ भी गवारा न किया। और जदों कारी साहब ने पाक पैगंबर इस्लाम की खत्मे नबूवत नु बयान करना ना, मा काना मुहम्मदुन अबाहदिन मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूल अल्लाही व खातमन नबी। वकान अल्लाहो बिकुल्ली शैइन अलीमा। और वजद वजदान च कहना, काश मैं तेरे घर का, नबी अलैहिस्सलाम दी जात पाक दे बारे, काश मैं तेरे घर का कच्चा रास्ता होता, तेरा कदम में मुनव्वर मेरे सीना पे पड़ा होता, तेरी खत्मे नबूवत के लिए कोई मुझे टुकड़े करता, को मेरे खून का हर कतरा तेरा नाम बोलता होता। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुआ करो अल्लाह कारी साहब दी पाक पैगंबर इस्लाम दी जात पाक दे नाल मुहब्बत नजात दा जरिया बना। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गो, मेरे अजीजो, ये अल्लाह दियां रहमतां हुंदियां ने जिहदे उत्ते हो जाण। देखो इलाका सारा वसदा पिया, सारा इलाका वसदा पिया, बेशुमार चक ने, चक्कां दे अंदर आबादी बड़ी है, मोमना नाल चक भरे ने, मुसलमाना दे नाल, पाक पैगंबर इस्लाम दे गुलामा दे नाल, खुश नसीबा दे नाल, मेरे दोस्तों बड़े बड़े पढ़े लिखे सियाणियां ते दनावां दे नाल चक भरे ने, गाँव भरे ने, तहसीलां भरियां ने, जिले भरे ने जनाब। पर गल सुन लो, इस वक्त जेड़े आ रब दे मेहमान, जिन्हां नूं अल्लाह ने अपना मेहमान बनाया 168 वाली मस्जिद के अंदर, जालिका फजलुल्लाह युती है मैयशा वल्लाहु जुल फजल अजीम। एक बारी फेरा, अच्छा 68 कला, ओए होए याला मैनू माफ़ करी, मैं 100 ही सवारा ठोक दिता नाल, ला वेख ला मेरे भी कम हो सकता, ना एक ना दो ना पांच ना सात ना भी ना पचास ना साठ ना सत्तर ना अस्सी ना बयासी ना चौरासी ना कानवे ना बानवे, 100 दे टप्पा मार के 100 ही बधा छड़ी। चक नंबर 68, आई एम वेरी सॉरी जनाब, चक नंबर 68 वाले हो तो जो फरमाओ, जरा गल सुन लो, अल्लाह ने
ਸੱਤਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਦਿਨ ਜੁਮੇ ਦਾ ਜ਼ਾਲਿਕਾ ਫਜ਼ਲੁਲਲਾਹ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਈਦ ਉਲ ਫਿਤਰ ਤੇ ਈਦ ਉਲ ਅਜ਼ਹਾ ਬੜਾ ਮਕਾਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਜ਼ਾਲਿਕਾ ਫਜ਼ਲੁਲਲਾਹ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਔਰ ਰਬੀ ਉਲ ਅਵਲ ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਸ਼ਾਨ ਮਰਤਬੇ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਤਕਸੀਮਾਂ ਜ਼ਾਲਿਕਾ ਫਜ਼ਲੁਲਲਾਹ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰਾ ਤੁਰਾਤ ਇੰਜੀਲ ਜ਼ਬੂਰ ਮਗਰ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਜ਼ਾਲਿਕਾ ਫਜ਼ਲੁਲਲਾਹ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਬੜੀਆਂ ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਤੋਂ ਨਿਰਾਲੇ ਜ਼ਾਲਿਕਾ ਫਜ਼ਲੁਲਲਾਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮਤਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਕਾਮ ਏ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਮਤ ਇਸ ਵਕਤ ਰੱਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣ ਕੇ 68 ਚੱਕ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਏ ਉਮਤ ਜ਼ਾਲਿਕਾ ਫਜ਼ਲੁਲਲਾਹ ਯੂਤੀ ਹੈ ਮਈਸ਼ਾ ਵੱਲਾਹੁ ਜ਼ੁਲ ਫਜ਼ਲ ਅਜ਼ੀਮ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਦੇ ਯਾਰ ਕਿਤਨੇ ਪਿਆਰੇ ਸਨ ਸੁਣੋ ਨਾ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਵਲਾਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਹੱਬਬਾ ਇਲੈਕੁਮ ਲੀਮਾਨ ਵਜ਼ਯਨਹੂ ਫੀ ਕੁਲੂਬਿਕੁਮ ਵਕਰਹ ਇਲੈਕੁਮ ਅਲਕੁਫਰ ਵਲ ਫਸੂਕ ਵਲ ਇਸਿਯਾਨ ਉਲਾਇਕਾ ਹੁਮੁਰ ਰਾਸ਼ਿਦੂਨ ਫਿਰ ਆਖੋ ਸਹਾਬਾ ਔਰ ਸਹਾਬੀਆਤ ਰਿਜ਼ਵਾਨੁਲਾਹ ਅਲੈਹਿਮ ਅਜਮਾਈਨ ਦਾ ਮਕਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਇਆ ਇਨਲ ਮੁਸਲਿਮੀਨ ਵਲ ਮੁਸਲਿਮਾਤ ਵਲ ਮੁਮਿਨੀਨ ਵਲ ਮੁਮਿਨਾਤ ਵਲ ਕਾਨਤੀਨ ਵਲ ਕਾਨਤਾਤ ਵਸਵਾਦਕੀਨ ਵਸਵਾਦਕਾਤ ਵਸਵਾਬੇਰੀਨ ਵਸਵਾਬੇਰਾਤ ਵਲ ਖਾਸ਼ੀਨ ਵਲ ਖਾਸ਼ਿਆਤ ਵਲ ਮੁਤਸੱਦਕੀਨ ਵਲ ਮੁਤਸੱਦਕਾਤ ਵਸਵਾਇਮੀਨ ਵਸਵਾਇਮਾਤ ਵਲ ਹਾਫਿਜ਼ੀਨ ਫੁਰੂਜਹੁਮ ਵਲ ਹਾਫਿਜ਼ਾਤ ਵਜ਼ਕਰੀਨ ਅੱਲਾਹ ਕਸੀਰਮ ਵਜ਼ਾਕਿਰਾਤ ਅੱਲਾਹੁ ਲਹੁਮ ਮਗਫਿਰਤਮ ਵਾਜਰਨ ਅਜ਼ੀਮਾ ਨਬੀ ਅਸਲਾਮ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਸਾਰੇ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਜ਼ਵਾਨੁਲਾਹ ਅਲੈਹਿਮ ਅਜਮਾਈਨ ਸਹਾਬੀਆਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬ ਆਕਾ ਕੇ ਅਸਹਾਬ ਸਿਤਾਰੋਂ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਬਰੀਕ ਕਦੀ ਕਰੋ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਰੀਕ ਆਕਾ ਕੇ ਅਸਹਾਬ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਸ ਆਕਾ ਕੇ ਅਸਹਾਬ ਸਿਤਾਰੋਂ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਦਰਿਆ ਵੋ ਕਿਨਾਰੋਂ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਅਬੂ ਬਕਰ ਉਮਰ ਹੈਦਰੋ ਉਸਮਾਨ ਦੇਖੀਏ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਮਸਜਿਦ ਵੋ ਮੀਨਾਰੋਂ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਮਸਜਿਦ ਵੋ ਮੀਨਾਰੋਂ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਬਾਤ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲੋ ਔਰ ਗੌਰ ਕਰ ਲੋ ਬਾਤ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲੋ ਔਰ ਗੌਰ ਕਰ ਲੋ ਮਦਨੀ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਵੋ ਸਿਪਾਰੋਂ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਾਲੀ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਯਾਰ ਇਸ ਕਦਰ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਯਾਰ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਤਕਸੀਮਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਠੱਕ ਠੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਘਟਾਓ ਤਵਜੋ ਫਰਮਾਣਾ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਦੋਸਤੋ ਬਾਤ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਅਲ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਯਾਰ ਵੇਖੋ ਨਾ ਯਾਰ ਬੜੇ ਸਨ ਮਗਰ ਸਿਦੀਕ ਅਕਬਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੋ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਹਾਬਾ ਵਿੱਚੋਂ ਮਕਾਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਦੀਨ ਸਾਰੀ ਬੜੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਤੇ ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰ ਦੀਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਫਿਰ ਆਖੋ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਏ
मक्के ते मदीने जावा दिल बड़ा कर दे, सीने विच ठंड पावा दिल बड़ा कर दे, मक्के ते मदीने जावा मक्के ते बाजार वेखा मदीने दियां गलियां जिथे मेरे आका ने लाइया ने तलियां, मुक जाने उथे सावा दिल बड़ा कर दे, सीने विच ठंड पावा दिल बड़ा कर दे, मक्के ते मदीने जावा। ते गल सुन वाली जे होर एक बड़ा बड़ी प्यारी गल करदा कहिंदा नी तुसी किड्डियां किस्मतां वालियां जे सोने शहर मदीने दियो गलियो जिथों लंघ जांदा नबी प्यारा सी महक उठदा महल्ला सारा सी। तुसी उस खुशबू दियां मसियां होईयां अंबर कस्तूरी दियो डलियो, नी तुसी किड्डियां किस्मत वालियां जे सोने शहर मदीने दियो गलियो। एक अल्लाह वाला होर उठिया कहिंदा मक्के ते मदीने दी। उस्ताद जी तुहाडे कोलों आवाज सैट नहीं हो रही पर मैं सिर डाहे आ ते मैं डाही रखना जे तो जो फरमाना जरा मक्के ते मदीने दी क्या बात निराली है। ये पता केड़ा बो ये बंदा केड़ा बंदा गल कर रहा है जेड़ा सारी जान सारे जान विचों बेकार आज दिन किसार गुनागार बेकार बे इलम बे अमल बे अकल बंदा है जिन्हों अल्लाह पाक रमजान उल मुबारक तो पहले पांच दिन पहला अल्लाह उमरे ते लै गया, तेरहवें रोजे फिर वापस ले आया, छब्बीए रोजे फिर अल्लाह लै गया, एक महीने विच दो वारियां इस गुनागार नू उमरे कराण वालिया सारियां तारीफां तेरिया ने। मेरे दोस्तों मैं सुना देना शेर बना के लिया इन्हें अल्लाह करे भाजी आवाज़ भी सैट कर देन मैं तुहानू सुना दिया जो तो मैं वो कापी कढ़ ली ना समझे जे आवाज़ सैट हो गई। हजरात जो फरमाया जे गल बड़ी सुन वाली जे जड़ी बात सुनाना चाहना मक्के ते मदीने दी क्या बात निराली है। अजे भी आवाज़ नहीं आई फिर बोलो जरा प्यार से बोले कुटन कुटन खत्म करो कुटन जड़ी है नहीं होनी चाहिए आवाज कड़ाके वाली होनी चाहिए जरा मिल के बोले जरा जोर से बोले जरा प्यार से बोले जरा गरज के बोले जरा फिर से बोले जरा मुड़ो सुड़ो बोलो। गल बड़ी सुन वाली अल्लाह वाला बड़ी प्यारी बात करता है मक्के ते मदीने दी क्या बात निराली है जिथे टुरदा रहा लोगो कौनैन दा वाली है मक्के। जरा इको भी थोड़ी जी खोलो ना जरा मैं सौखा होके थोड़ी जी गल कर लवा नहीं कहते जो भी कहें अल्लाह जानता गलत कहें मैं सही कह रहा हजरात जो फरमाना मेरा दिन रात काम ही है वे ये पहलिया मौलवियाँ वर्गा मैनू मौलवी समझते ने बड़ा सुजुकी का रूसी ट्रैक्टर का की मुकाबला है। जिहड़ी बात तुहानू सुनाना चाहना मक्के ते मदीने दी क्या बात निराली है जिथे टुरदा रहा लोगो कौनैन दा वाली है मक्के दी ओनी गलियो सोने दी ओनी डलियो मदीने दी ओनी गलियो सोने दी ओनी डलियो तुसा रज रज तक आए जिदी कमली काली है। एक बारी फिर आखो ते गल सुन वाली जे मक्का शहर निराला है मदीना बरकत वाला है सुन दोना शहरां दी रब सच्चे कीती खुद रखवाली है। अल्लाह इन्हां सारिआं नूं मक्का मदीना वखा या अल्लाह इन्हां नूं मक्के मदीने पहुँचा
हरमैन शरीफैन की जियारत करवा या अल्लाह अगे इमरान खान लाए हुण शबाज नू भी ला या अल्लाह सानू मौलवियों भी कुर्सी अता फरमा ताकि असी भी अपनी रीझ पूरी कर लीए। अगर साढ़े को भी मुल्क ना चले तो सानू किसे समुंदर च वगा। मौलवियों कसम बड़ा चा मौलवियों चा चढ़िया है, हमें भी कुर्सी मिलनी चाहिए, हमें भी कुर्सी मिलनी चाहिए, हमें भी सदारत। मौलाना का नारा सुनो, वो कहते ने वज़ीर आज़म मौलाना मंजूर साहब। मैं बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुहाडे लफ़्ज़ वापस लेना, मैं जेड़े बंदियां दे लफ़्ज़ ना लेना चाहना सुन लो। सदरे पाकिस्तान होए मौलाना फजलुर रहमान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान होए मौलाना तारक जमील साहब, वज़ीर आला पंजाब होवे नासर मदनी। मौलवियों नूं रीझ ला लैण दिओ। और मौलवियो अल्लाह ने हमें मिंबर दिया है, मिंबर हमारे पास है, मुसल्ला हमारे पास है, सिद्दीक की सदाकत हमारे पास है, फारूक की अदालत हमारे पास है, उस्मान की सखावत हमारे पास है, अली की शुजात हमारे पास है, बिलाल की अजान हमारे पास है, मुस्तफा का निजाम हमारे पास है, सुनो सहाबा की अजमत हमारे पास है, हरमैन शरीफैन की अजमत हमारे पास है, रफल यदैन हमारे पास है, मुस्तफा अलैहिस्सलाम का दीन हमारे पास है, नबी अलैहिस्सलाम का दीन नबी अलैहिस्सलाम का दीन हमारे पास है, मोहम्मद करीम की तालीम हमारे पास है, मक्का और मदीना हमारे पास है, हाथ बांधने के लिए सीना हमारे पास है। यकीन करो अल्लाह पाक दियां किड़ियां रहमतां ने, कितना मां लगदा करा। मैं एक गल और भी सुनो, बड़ियां सरकारां बड़े दरबार बड़ियां जनाब गद्दियां और बड़े आस्थाने, पर रब दा शुक्र अदा करे वह बंदा जिन्हों अल्लाह पाक ने सारिया का एहतराम नसीब किया है, पर सजदा करन दी तौफीक अल्लाह ने सिर्फ अपनी जात दे बारे दी है। सुभान सजदा अल्लाह नूं, बोलो सजदा। ते मैं फिर क्यों ना बात करा, सुनो अठाठ वाले ओ परवानियो, मखलूक को सजदा ना किया है ना करेंगे, ये जुल्म गवारा ना किया है ना करेंगे, अपनी जात की खातिर ना लड़े हैं ना लड़ेंगे, अल्लाह के लिए लड़ते हैं लड़ते रहेंगे। हमारी जिंदगी पुत्री, हमारी जिंदगी का मकसद है रज़ाए इलाही, अल्लाह के लिए मरते हैं मरते रहेंगे। ते गल सुन वाली जे मालक दे नाले हो जाया प्यार होए, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महया व ममाती लिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह पाक वास्ते नमाज सुनियो, ऐलान फरमा दियो, बेशक मेरी नमाज मेरी कुर्बानी मेरा जिंदा रहना ते मेरा दुनिया तो रुखसत होना अल्लाह दी खातर है। लोगो सुनो और ठाठ वाले हो परवाने हो सुनो, छियाठ वाले हो सुनो, सताठ वाले हो सुनो, और अवागत वाले हो सुनो, और जड़ा वाले दे दोस्तों सुनो, ढेसियाँ वाले हो सुनो, बस्ती उमर फरूक तो आने वाले हो सुनो। मैं इतने ऐलान करना चाहना, मालक दे नाले हो जा ताल्लुक, साड़ी नमाज अल्लाह वास्ते, साड़ी तबरीक अल्लाह वास्ते, हज अल्लाह वास्ते, उमरा अल्लाह वास्ते, नमाज अल्लाह वास्ते, जिहाद अल्लाह वास्ते, तबलीग अल्लाह वास्ते, और एतिकाफ अल्लाह वास्ते, और दोस्तों जिक्र जिकार अल्लाह वास्ते, और तहज्जुद अल्लाह वास्ते, सदका खैरात अल्लाह दी जात वास्ते। आसमान तो आवाज आउंदी है, जे तेरा हर अमल मेरे वास्ते, मेरी जन्नत रहमत तेरे वास्ते।
मैं सदके जावा उस मालिक तो। लिल्लाह रब्बिल आलमीन, तर्जमा तुहानू सुनावा। मुश्किलों में सदा तू ही मुश्किल कुशा, अलमदद अलमदद या इलाया एला। हम इबादत हमेशा तेरी ही करें, तेरी खातिर जिए तेरी खातिर मरे, है मंजूर की हर दम यही इल्तजा, अलमदद अलमदद या एला। हुक्मरानी तेरी हर जगह हर घड़ी, कोई हस्ती कोई शै ना तुझसे बड़ी, कोई हस्ती कोई शै ना तुझसे बड़ी। तू है सबसे बड़ा तू है सबसे जुदा, अलमदद अलमदद या एला। सारे मेरे वल वेख्या जी। अंबिया ओ रसूल यूं तो सरताज है, मगर सब तेरे सामने मोहताज है। अंबिया ओ रसूल यूं तो सरताज है, मगर सब तेरे सामने मोहताज है। मैं हूं मंगता तेरा तू ही दाता मेरा, अलमदद अलमदद या इला या इला। और मेरे खुदा जानदा है तौहीद दा नारा मार के ठंड पा दी थी। अल्लाह हो वमिन आयाते हिल्लील वन्नहार वश्शम्सु वल कमर ला तस्जुदु लिश्शम्सि वला लिल कमर वस्जुदु लिल्लाह। एक बारी फिर आखो कुरान पाक दी एक तो अनवाय तो और सुना। अबेलिया किधर मोडे तो रुमाल सुट के तुर पिया खुदा दी। ओ यार तकरीर मैं पिया करना और प्यास तेनू लग और बह जा यार, सिट डाउन बह जा यार। खुदा दी कसमे साउंड वाले भाई जान ने कैसा आवाज सैट कर दिता है, तू हूँ मोडे तो रुमाल रख के जी जिमें तू मेरा मतलब मझ चोन चले। इधर वेखो जरा तू अजो फरमाओ जी तुम मैं पहला सुनावा, उस तो बाद तुम मैं तर्जमा सुनावा। सुनया जे अल्लाहु अकबर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ताहा मा अंजलना अलैकल कुरान लितश्का इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा तंज़ीलम मिम्मन खलकल अर्ज़ा वस्समावातिल उला अर्रहमान अलल अर्शिस्तवा लहू मा फिस समावाति वमा फिल अर्ज वमा बैनहुमा वमा तहत सरा। तर्जमा तुहानू सुनावा, पहला एक आयत होर तुहानू सुना लवा, फिर तुहानू तर्जमा सुनावा। कुरान पाक सुनना जरा। वल अव्वल वल आखिर वज़्ज़ाहिर वल बातिन। होर एक आयत तुहानू सुना लवा, ईमान ताजा हो जाए। अला बल्कि ईमान बढ़ जाए। अला कारी आरफ साहब अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून लहुमुल बुशरा फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा लहुमुल बुशरा फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम वला यहज़ुनका कौलुहुम वला यहज़ुनका कौलुहुम इन्नल इज़्ज़ता लिल्लाहि जमीया इन्नल इज़्ज़ता लिल्लाहि जमीया हुवस समीउल अलीम। तर्जमा हुण तुहानू सुनावा। तर्जमा
मौला सजदी च सर होवे तेरी हमदो सना होवे मेरे होंठां ते हर मुश्किल मेरे होंठां ते हर मुश्किल दे विच तेरा ही नाम होवे मौला सजदे च सर होवे तेरी हमदो सना होवे नबी होवन वली होवन सारे तेरे सवाली ने कई पीर वेखे मैं जेड़े औला तो खाली ने उस रात चल तू भी जड़ी मुस्तफा दी राह होवे उच्ची सुभान गूंज पा दे एक बारी फिर आखो तेरा दर छोड़ के अल्लाह किसी दर मैं ना जावांगा मुसीबत विच कबरां ते तरले मैं ना पावांगा मदद मंगे तेरे कोलों मदद मंगे तेरे कोलों मेरी ऐसी जुबान होवे और मेरे दोस्तों एक गल याद कर लो फजर हो जोहर हो असर हो मगरब हो इशा हो जलवत हो खलवत हो दुख हो या सुख हो सुनो अंधेरा हो या रोशनी हो मेरे दोस्तों आप जेल में हूँ आप मकान में हूँ आप मैदान में हूँ या किसी दुकान में हूँ या आप अपने डेरे पे हूँ या हनेरे में हूँ या सवेरे में हूँ आज के बाद ये अकीदा बना लो रब्बे अकबर की कसम है हमने हर मकाम पे ये कहना है कि हमें मुश्किल कुशाई के लिए जुल जलाल काफी है और रहनुमाई के लिए आमिना का लाल काफी है इंशाअल्लाह सारे कहो इंशाअल्लाह असा अपने अल्लाह नु खुश करना कहो इंशाअल्लाह देखो ना नेरे सवेरे जो वो अपने मालक दी तारीफ करया करो अपने मालक दियाँ हमदा अपने मालक दियाँ सनावा करया करो देखो ना बंदा नमाज पढ़ दे अल्लाह हो हाँ जी वो बहुत शुक्रिया ये सारा सवाब उस्ताद जी नू मिलना नेकियां सारियां उस्ताद जी नू मिलनियां ने गौर करना तवज्जो फरमाना जरा इयाका नअबुदु व इयाका नस्ताईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम और सुनो अल्लाह दी तारीफा अलहम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़ला अला अब्दिहिल किताब फिर आखो और एक आयत तुहानू सुनावा वकुल अलहम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलीयुम मिनज़्ज़ुल्ल वकब्बिरहु तकबीरा अलहम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह मैं मालिक दी आज़मता तो सदके सुनना वसीक अल्लज़ीन तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नत ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ
حافین من حول العرش یسبحون بحمد ربهم وقضی بینهم بالحق وقیل الحمد للہ رب العالمین۔ میں صدقے جاواں تیریاں قدرتاں تے تیریاں تعریفاں تو۔ افا حسب تم، قرآن سنو، جدا کیتا قرآن و سنت والا ہو جائے وہ دیتے اللہ دی بڑی رحمت ہے۔ افا حسب تم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدع مع اللہ الہا آخر لا برہان لہ فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اللہ دے نال ساڈا ایہو جا تعلق ہوئے۔ میرے دوستو سنیا جی ذرا، یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم، پہلے تو انو قرآن سنا لا پھر ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم۔ حضرت آدم جب پریشان ہویا تیرے در پہ آیا، تیرے آگے رویا، اپنے فضل سے تو نے، اپنے فضل سے تو نے مشکل ٹالی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم۔ میں صدقے تے قربان اس مالک دیاں، رحمتاں تو دیاں، فضلاں تو تے، او کتنا مہربان ہے۔ یا ایوہ الناس، دو چار آیات سنو او دی ذات پاک دے بارے۔ یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ دوسرا مقام، یا ایوہ الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ۔ رتی رتی والے سنیا جے، ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ ہن تانوں ترجمہ سناواں، میں صدقے جاواں مالک دیاں قدرتاں تو۔ توجہ فرمایا جی، کس طرح سندا ساریاں دیاں۔ سندھی وچ بولیا، پنجابی وچ بول، پشتو وچ بولیا، دوابی وچ بول، ہندی وچ بولیا، بنگالی وچ بول، اگے اردو سرکی یا بنارسی چ بول، سارے آندھی اللہ ہی پکار سوندا، وارو واری نہیں ہوئی کو وار سوندا۔ میں تانوں پھر دور شروع تو سنا دیا، سندھی وچ بول یا پنجابی وچ بول، پشتو وچ بول یا دوابی وچ بول، ہندی وچ بول یا بنگالی وچ بول، چینی یا ملائی پرتگالی وچ بول، بول انگریزی پاویں فارسی چ بول، اردو سرکی یا بنارسی چ بول، سارے آندھی اللہ ہی پکار سوندا، وارو واری نہیں ہو ایکو وار سوندا۔ او کہندا نہیں ہو ٹھہر جاؤ،
अठाठ वाले हो तुसी पहला बोलो वैस ताठ वाले हो ओ कहिंदा नहीं हो ठहर जाओ कसूर वाले हो तुसी पहला बोलो पसरूर वाले हो खाकी नारी चुप बोलो नूर वाले हो ना आखे नेड़े आ जाओ दूर वाले हो ना लैण ना कितार ना तू तकरार ना वेला मखसूस ना मंगल ऐतवार ओनू जदों भी पुकारो ओ पुकार सुनदा सत्तार ते गफार ओ जब्बार सुनदा इको टाइम ते सारिया दिया सुनने वाला कौन है बोल के दसो वाला कौन है अजे आवाज नहीं आई कौन सारिया दिया सुनने वाला कौन इको टाइम ते सुन वाला कौन साडा मालक इतना मेहरबान इतना अजीम शान और इस कदर कदरदान है आओ जड़ी बात मैं थोड़े तक पहुँचाना चाहना मेरे दोस्तों का आर्डर सी कि आ शेर जड़े ने ना ये सानू जरूर सुनाने मैं इंशाल्लाह सुनाना चाहना पहला तो दुआ करवाना चाहना अल्लाह सारू मक्का मदीना विखाए सारू अल्लाह मक्के मदीने पहुँचाए सारे आखो आमीन कारी मुहम्मद खालिद मुजाहिद साहब उन्होंने ना एक नज़म बड़ी प्यारी बनाई नबी अलैहिस्सलाम दे शहरां दे बारे मक्के मदीने दे बारे बड़ी प्यारी बात जिहड़ी जनाब अल्लाह ओ दिन छेती आवे हर मोमिन मक्के जावे अल्लाह सारिआं नूं मक्का मदीना वखा और इमरान खान दी तुहानूं इक गल सुणावां इमरान खान पता की कहिंदा कहिंदा बात यह है नादां गिर गए सजदे में जब वक्त क़याम आया लोगों को चाहिए था वो इधर रहते और मेरे साथ मिलकर चवड़े मारते जिस तरह मैं खचे वढ़ रहा हूँ मेरे साथ मिलकर खचे वढ़ते उनको क्या ज़रूरत सी उमरा करने की जेड़ा भी उठता है कोई नवी तो नवी आइटम ही उठता है वही असी मक्का मदीना वेखन गए सा तू सानू सियालकोट विखाना चाहता सै तू गुजराला विखाना चाहता सै तू सानू लाहौर विखाना चाहता सै तू सानू फैसलाबाद विखाना चाहता सै तू सानू मुल्तान विखाना चाहता सै तू कराची विखाना चाहता सै वही आम का किथे मक्का मदीना किथे रावलपिंडी असी इंशाला मक्के मदीने जाते रहेंगे कहो आमीन अच्छा एक इस बुद्धू ने यह गल की एक झूडू ने गल की इस तो पहले एक झूडू ने जिन्हें आख्या मक्का मदीना नालों वध शान है नवाज शरीफ का इस्तकबाल लाहौर एयरपोर्ट ते करो हज नालों ज्यादा सवाब है नवीं नवीं ऐटमां नवें नवें मुफ्ती नवें नवें जनाब राणा बड़ा सियाणा मौलाना अलामा मुफ्ती सनाउल्ला अस्तगफिरुल्ला अहे जी ओदा इस्तकबाल करो और पुत्रे की लाइट बंद कर ओदा इस्तकबाल करो ये हज नालों ज्यादा है तो वह कहिंदा है मेरे जलसे सुनो ये उमरे नालों ज्यादा है वो तुसी दोवे ना ही जमदे तुहाडी जगह ते देसी कुकड़ हुंदे नासर मदनी खा जांदा वो तुसी ना ही जमदे फतवे लांदे मगर एक गल याद रखे जे जब तक खुदा पाक की अजमत की कसम है मेरी गल ध्यान नाल सुन लो जब तक है गुनाहगार जिंदा है जब तक है बेकार जिंदा है जब तक है गुनाहगार जिंदा है सुन लो मौलवी होए कोई कारी होए सरदारी होए और कोई चौधरी होए अमीर होए फकीर होए वजीर होए या बड़ा जागीरदार होए या बड़ा सरमायादार होए डेरेदार होए जेड़ा कुरान और सुन्नत के खिलाफ गल करेगा मैं छोटे ला देंगा मोछे पा देंगा नानी याद करा देंगा 12:17 से तारे वहा देंगा रब्बे जुल जलाल दी कसम है रब दा कुरान चमकदा रहेगा मोहम्मद दा इस्लाम दमकदा रहेगा नारा और मार रुखा को आज गया हाँ भाई सुनो माशाल्लाह जिंदाबाद वो ना शेर की ललकार बड़ी प्यारी गल कारी कारी साहब करते हैं कारी मुहम्मद खालिद मुजाहिद साहब मैंने ना अज एक गल बड़ी याद आई एक तो मेरा रुका गुआच गया सी तो लभ गया कारी
कारी साधक केड़ा है? आ कारी साधक है, आ कारी सामना। कसमे खुदा दी भाई, साडा इमाम कारी साधक आ तुहाडा इमाम है। अच्छा भाई गल ये, कसमे खुदा दी इमाम होवे ते इहो जिहा कम अज कम एडा जरूर होवे। कई इमाम छोटे छोटे इमाम, मैं ना सऊदीया की पुलिस वेखो, उन्हों का बड़ा निजाम है सऊदी अरब के अंदर। एक तो कुरान बड़ा पढ़ते हैं, नबी सलाम की जात पाक ते दरूदे पाक बड़ा पढ़ते हैं, नमाजी बड़े पक्के, कुरान बड़ा पढ़ते हैं, दरूदे पाक बड़ा पढ़ते हैं, सखावत बड़ी करते हैं, तहज्जुद बड़ी पढ़ते हैं, जिक्र अज़कार बड़ा करते हैं। एक उन्होंने मैं का तारीफ होर सुन के आया, जिस बच्चे ने घर आना है अबू का मत्था चूमना है, अम्मी का मत्था चूमना है, अबू के हथ चूमने ने, अम्मी के हथ चूमने ने। अगर कोई चीज माँ को लिया के देन लगा तो माँ ने कहना अबू नू शायद दे, अबू को मशवरे लिया करो, अबू को गलबात करया करो, अबू को इजाजत लैके जाया करो, जेड़ा काम करना है अपने अबू को इजाजत लैके करया करो। पुत्र इन्हां दी इजाजत तो बगैर तो मैं घरों पैर नहीं बाहर पुट सकती, तुसी मैनू की समझते हो? बाप को मशवरा लो, बाप को। इत्थे कई बंदे आउंदे आ सार, अम्मी जी सलाम अलैकुम, अम्मी जी की हाल है, अम्मी जी ठीक ठाक हो? तो अम्मी अगर कह देना भी इतने अब्बा जी उन्होंने भी मिलना है, मिले उथे बार मिले उथे अब्बा बार है। मैं एक बार काम हो गया, जेड़ा मोल भी उठे ना आखे अजीजा ने मन में अर्ज करना पे, माँ का बड़ा मकाम है, मावा के नाल बहारा आदियां ने, मावा के नाल बड़िया रौनक आदियां ने, मावा के नाल बड़िया जनाब लहर पैर खैर आदियां ने, तो माँ टुर जाए तो बंदा उजड़ जाता, तो माँ को जनाब बंदा गल करवाल भी। एक होर आया वह भी जनाब उड़िया, हजराते जीवकार मैं दसना है चाहना, माँ बाप का बड़ा मकाम है, तो माँ दियाँ ते क्या आई बात ने, माँ दियाँ ते क्या आई शाना ने। एक होर आया वो पता की कहना, मोमिनो मुसलमानो माँ का बड़ा मकाम है मेरे दोस्तों। माँ अच्छा जेड़ा आवे माँ का शायद, एक बाबा कहना कोई साडा भी मकाम है, कोई सानू भी चाह की प्याली लभेगी कि असी गेट के ही समांगे। क्या मौलवी है कोई यहो जहाँ इतने मौलवी जरा कोई बाप के बारे दस, प्यो का भी कोई मकाम है? मैं उसे अबे का शान बयान किया, बाबे कसमे मैनू दो ढाई ढाई पौने पौने तीन चार चार जफियां पान, बार बार जफियां पान, ते आखण तेरा अल्लाह भला करे तू सानू घर वड़न जोगा कर छड़े। ओए माँ का कसमे भी मकाम बड़ा है, माँ का बड़ा मकाम है, पर बाप का बड़ा मकाम जे बाप का, बाप की अजमत नू जानदा कुल जमाना है। फरमा गया सोना हसनो हुसैन दा नाना है, रब दी सो दुनिया उत्ते इज्जत वखरी है, दुनिया फिर लो बाप दी शफकत वखरी है। बाप बड़ा हलीम ते बड़ा साबर है, पुत्र नू थापी दे दे पुत्र बहादुर है, रब दी सो दुनिया उत्ते जुरत वखरी है, दुनिया फिर लो बाप दी शफकत वखरी है। एक बंदे ने ना माँ दे बारे एक शेर लिखा, बड़ा कमाल शेर, ए प्यारी माँ तेरा आंचल सभी आंचल से अच्छा है, लगा दे जो मुझे काजल वो हर काजल से अच्छा है, वो एक टाट जिस पे पांचों नमाजें पढ़ रही है तू, कसम अल्लाह की वो टाट हर मखमल से अच्छा है। लोगों दुनिया के प्यार में धोखा तो होता है, मगर माँ के प्यार में कभी धोखा नहीं होता, जो गुजरे माँ की खिदमत में वो लम्हा हर लम्हे से अच्छा है। एक बंदा और बड़ी प्यारी बात करता, कहिंदा वक्त इंसान को ये ना नबी सलाम दी जात पाक ते नात खत्म करता है, ते अम्मी जान तो शुरू करता है।
ਮਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਇਮਾਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਕਤ ਇਨਸਾਨ ਕੋ ਜਬ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਤਾ ਹੈ ਗੈਰ ਤੋਂ ਗੈਰ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਦਗਾ ਦੇਤਾ ਹੈ ਗੈਰ ਤੋਂ ਗੈਰ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨਨ ਤੇਰੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਤੇਰਾ ਲਹਿਜਾ ਤੇਰੀ ਅਜ਼ਮਤ ਕਾ ਪਤਾ ਦੇਤਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਲਹਿਜਾ ਤੇਰੀ। ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਓਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਓਏ ਟੁਰਨ ਵਾਲਿਆ, ਬਹਿਣ ਵਾਲਿਆ, ਖਲੋਣ ਵਾਲਿਆ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਅਜ਼ਮਤ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅਖਲਾਕ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੇਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਅਜ਼ਮਤ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਨਕੀ ਅਜ਼ਮਤ ਕੇ ਉਨਕੀ ਰਿਫਾਤ ਕੇ ਉਨਕੀ ਸਦਾਕਤ ਕੇ ਉਨਕੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਕੇ ਉਨਕੀ ਅਦਾਲਤ ਕੇ ਉਨਕੀ ਗੈਰਤ ਕੇ ਉਨਕੀ ਜੁਰਅਤ ਕੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਹਾਂ ਸੇ ਲਾਊਂ, ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਤਾ ਹੈ ਜ਼ਾਲਿਮ ਕੋ ਦੁਆ ਦੇਤਾ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਤਾਇਫ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਹਦ ਕੌਮੀ ਫਾਇਨਹੁਮ ਲਾ ਯਅਲਮੂਨ, ਉਨਕੀ ਅਜ਼ਮਤ ਕੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਕਹਾਂ ਸੇ ਲਾਊਂ, ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਤਾ ਹੈ ਜ਼ਾਲਿਮ ਕੋ ਦੁਆ ਦੇਤਾ ਹੈ। ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਾਲਿਹ ਵਸੱਲਮ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾਓ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੀਰ ਕੋਈ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਸਾਡਾ ਪੀਰ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਨਾਮੀ ਮੁਹੰਮਦ ਪਿਆਰਾ। ਸੁਭਾਨ ਗੂੰਜ ਪਾ ਦਿਓ, ਕਹੋ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ। ਕਾਰੀ ਖਾਲਦ ਮੁਜਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜੁਮਲਾ ਲਿਖਿਆ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜੁਮਲਾ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜੁਮਲਾ, ਕਮਾਲ ਦਰਜੇ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਜੇ। ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾ ਉਹ ਦਿਨ ਛੇਤੀ ਆਵੇ ਹਰ ਮੂਮਿਨ ਮੱਕੇ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੱਕ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੱਕ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਮੂਮਿਨ ਮਦੀਨੇ ਜਾਵੇ, ਸੋਹਣਾ ਮੱਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਰਾਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ, ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਦਕੇ ਉਥੇ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਦਕੇ ਉਥੇ, ਰੱਬ ਸਭ ਨੂੰ ਸਦਕੇ ਉਥੇ, ਜ਼ਮ ਜ਼ਮ ਦੇ ਜਾਮ ਪਿਲਾਵੇ। ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਲਾਈਆਂ ਨਬੀ ਜੀ ਨੇ ਤਲੀਆਂ, ਜੋ ਸਈਆਂ ਵੇਖਣ ਚੱਲੀਆਂ, ਜੋ ਸਈਆਂ ਵੇਖਣ ਚੱਲੀਆਂ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਚਾਵੇ, ਜੋ ਸਈਆਂ ਵੇਖਣ ਗਈਆਂ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆਵੇ। ਅਤੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮਨਸੂਰ ਕੋਲੋਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਬਣਵਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਲੋਕੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਚਾਵਾਂ, ਛਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਬਿਠਾਵੇ। ਆਮੀਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਆਮੀਨ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੋ, ਰੁੱਕਾ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਆਮੀਨ ਆਖੋ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਜੇ, ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਤਨੇ ਸੋਹਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਦੀ, ਸੈਯਦ ਉਲੰਬੀਆ, ਇਮਾਮ ਉਲੰਬੀਆ, ਅਹਿਮਦ ਮੁਜਤਬਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ, ਬੋਲੋ ਸੱਲੱਲਾਹੁ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਾਲਿਹ ਵਸੱਲਮ। ਮੱਕੇ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਨਿਰਾਲੀ ਏ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਰਦਾ ਰਿਹਾ ਲੋਗੋ ਕੌਨੈਨ ਦਾ ਵਾਲੀ ਏ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਰਦਾ ਰਿਹਾ ਲੋਗੋ ਕੌਨੈਨ ਦਾ ਵਾਲੀ ਏ। ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਜੇ ਸੁਣੋ ਜ਼ਰਾ, ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ
मस्जिद नबवी बाबू सलाम जिथे सुता नबियां दा इमाम है, जिथे सुता नबियां दा इमाम है, हर वेले दरूदो सलाम है, अल्लाह साडे कोलों वी पढ़ावे सुभान, हर वेले दरूदो सलाम है, अल्लाह साडे कोलों वी पढ़ावे, अल्लाह वो दिन छेती आवे, हर मोमिन मदीने जावे, साडा दाता रब गफूरे, साडा मुर्शद सोना हजूरे, एहो कहिंदा हर था मंजूरे, एहो कहिंदा हर था मंजूरे, सोना रब कबूल फरमावे, अल्लाह वो दिन छेती आवे, हर मोमिन मदीने जावे, मदीने दी अजब बहारे, जिथे सुता जगदा सरदारे, जिथे सुता जगदा सरदारे, उथे लोको प्यारी प्यारे, जदो चावे कोई अजमावे सुभान। एक बारी फिर आखो उच्ची आवाज ना, शेखैन तोहीदी साहब बड़ी प्यारी गल जे, मक्के मदीने दे ना बड़े चंगे, उत्थे फल ने रंग बरंगे, उत्थे फल ने रंग बरंगे, सब खा रहे बीबियां बंदे, जदों मर्जी कोई रज रज खावे, अल्लाह वो दिन छेती आवे, हर मोमिन मदीने जावे। आ सुन वो भी सुना देना, हुंदी बिलाल वाली अजाने, हुंदी बिलाल वाली अजाने, उची आमीन कहिंदी अवामे, ए हक सच दा पैगामे, ए हक सच दा पैगामे, कोई गुस्सा ना मनावे, अल्लाह ओ दिन छेती आवे, हर मोमिन मदीने जावे। ये मेरे भाई अब्दुल वाहिद मेहर साहब मेरे नाल, उन्होंने बल्कि मैं नाल आया, उन्होंने हुक्म से भी ये जरूर सुना दिया जी, कुछ शेखैन साहब का आर्डर आ गया, आखिरी शेर जरा भी सुन वाला जे, साडा खालिक मालिक अल्लाह, साडी ओदे ते है तसल्ला, शुरते कहिंदे हाजी अल्लाह, उदों बड़ा मजा आया, अल्लाह हाजी अल्लाह। चलो वह मंजूर गया ना इनू आने का शेर इस्लाम पुट्टा उमरा करन, तो ना क्या यल्ला हाजी यल्ला, कहिंदा नहीं मैं आया कल्ला, हाजी यल्ला, नहीं जी मैं आया कल्ला। ये बढ़िया रहमत आउंदिया ने जिन्हों अल्लाह पाक ले जाए, या अल्लाह मैं दुआ करना हरमैन शरीफ हैन दी ज़ियारत सारियां नूं नसीब फरमा, शेख हैन साहब का आर्डर सुन लो बाद फिर दुआ करिए तो चलीए सदके जावा। केड़े शेर दसो तो सही, कोई एक शेर यार एक दसेंगा तो पंजाबी की होंगे, मैं आप और नहीं पुत्र मैं होर शेर लगा पढ़न, गली होंदी ये तो वो हिसाब किया है, मैं जो बार बार तुम पूछे हूँ तुम दसिया तो वो एक बंदा ने कहना किसी गल का पता लगा जे, उन्हें कहा कि मैनू आप नहीं पता, कमाल है कसमे तुहाडे प्यार दी, गली होंदी मदीने दी तुरन दाता मजा आउंदा, बाग होंदे ठाठ वाले ओ परवाने ओ, बाग होंदे खजूरां दे, बाग होंदे खजूरां दे, फिरन दाता मजा आउंदा, मौत कोलों मैं नहीं डरदा, मौत एक दिन आनी है, कबर होंदी
बकी अंदर वाला माए सानी ले जहीर शहीद रहमतुल्ला ले कबर होंदी बकी अंदर मरन दाता मजायोंदा ते गल सुन वाली जे लोग चढ़ते ने मरी दे पहाड़ा ते लोग चढ़ते ने थोड़ी जी यार इको थोड़ी जी मामूली जी खोल लोग चढ़ते ने मरी दे पहाड़ा ते नाले चढ़ते ने उच्चे मीनारा ते सीढ़ी होंदी बैतुल्ला दी सुभान सीढ़ी होंदी मस्जिद नबवी दी चढ़न दा ता मजा आउंदा लोग अड़दे ने अपनियां बातां ते नाले अड़दे ने अपनियां जातां ते अड़े आ कर हक दे उते अड़े आकर सच दे उते अड़न दाता मजा आउंदा आखरी गल ते मेरा सलाम दूर 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 ना तू जा नेड़े 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 आ ऐले हदीसा दे तू नेड़े नेड़े आ दूर 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 ना तू जा तौहीद जैसी जग विच खुशबू कोई नहीं शिरक जैसी दुनिया ते बदबू कोई नहीं लड्डू बर्फी छाड़ के मोरा ना तू खा दूर 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 ना तू जा ते गल सुन वाली जे दीन विच नवा कम दीन विच नवा कम असी कड़ दे नहीं सुन्नत सोने नबी जी दी छड़ दे नहीं इमामे आजम मन ले तू सोना मुस्तफा दूर 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 ना तू जा अठाठ वालियां दा जलसा बड़ा बेमिसाल जे मजमा सुन वाला बड़ा बा कमाल जे बस मंजूर इथे गल मुका बस मंजूर हुण मंग तू दुआ दूर 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 ना तू जा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाकिबतुल मुत्तकीन والصلاه والسلام على رسول الكريم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انصر الاسلام والمسلمين رانا سنان صاحب دی امین والله صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے सारे दुआ करो अल्लाह सब बीमारा सेहत दे अल्लाह बीमारा शिफाए का मिला अज दा अल्लाह बे औलादा औलाद अता फरमा अल्लाह औलादा वाले दी औलादा साले बना दे अल्लाह इस मजमे दा आना बहना सुनना उलमा दा आना अल्लाह निजात दा जरिया बना दे या अल्लाह करीम तौहीद व सुन्नत दा चर्चा ते गलबा फरमा दे या अल्लाह डेढ़ बजे के करीब तेरे बंदियां ने तेरा और तेरे पाक पैगंबर सलाम दा शान मकाम सुनया अल्लाह असा सारियां ते राजी हो जा अल्लाह सा सारियां तो खुश हो जा अल्लाह सा सारियां ते राजी हो जा अल्लाह सा सारियां तो खुश हो जा या अल्लाह साड़ी दुनिया आखिरत बेहतर फरमा दे अल्लाह सानू अपने वालिदैन दा ताबेदार बना या अल्लाह जिन्हां जिन्हां दे वालिदैन फौत हो गए अल्लाह उन्हां दे वालिदैन दियां कबरां जन्नत दियां क्यारियां बना दे या अल्लाह जिन्हां जिन्हां दे वालिदैन फौत हो गए अल्लाह उन्हां दे वालिदैन नू बगैर हिसाब दे जन्नतुल फिरदौस दा हकदार बना दे या अल्लाह साडे मुल्क नू अमन सुकून दा गहवारा बना या अल्लाह साडे मुल्क दी हिफाजत फरमा अल्लाह साडी फौज साडी पुलिस दी हिफाजत फरमा अल्लाह इदारियां दी स्कूलां दी मस्जिदां दी इदारियां मदरसियां दी अल्लाह हिफाजत फरमा या अल्लाह सानू कुरान व सुन्नत दा पाबंद बना खुश नसीब और बख्त बुलंद बना रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना
انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین مدثر اسلامک سینٹر تو آئی دیا تو تینے تقریرا مولانا بنیامین عابد صاحب مولانا ابو بکر ماویہ صاحب اور حضرت مولانا میں تینا دیا تقریرا میرے دین اسلام